छह छठी मैया की। आज तो पूरा देश पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है छठ पूजा का ये त्यौहार, और हमारे साथ भी कोई सितारा है जो मना रहा है ये त्यौहार। लेकर चलते हैं आपको दिया और बाती की एमिली यानी पूजा सिंह के पास। ये तो कर रही हैं छठ पूजा की पूरी तैयारी और कर रही हैं हमारी टीम के साथ कुछ शॉपिंग भी। आइए दिखाते हैं आपको ये स्पेशल स्टोरी विद पूजा सिंह। पहले पहल हम करनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। आया छठ का त्योहार लेकर खुशियां हजार। पहले पहले हम करनी छठी मैया व्रत तोहार, तैयारी उत्तर पूर्व भारत के महापर्व की। छठी मैया व्रत तोहार। पूजा सिंह त्योहार की शॉपिंग पर चली। भाई छठ का त्योहार शुरू हो गया है, ये बिहार की संस्कृति है। चार दिनों तक मनाए जाने वाले त्योहार का पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन होता है उषा अर्घ का। ऐसे में त्योहार की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। इस त्योहार में खास होता है सूप, सूखा जटा वाला नारियल, बड़े आकार वाले नींबू और भांति प्रकार के फल। और आज सास बहू और बेटियां संग पूजा सिंह निकली है इसी त्योहार की शॉपिंग पर। तो आइए पूजा सिंह करते हैं छठ के त्योहार की शॉपिंग, जानते हैं उनसे इस त्योहार की खासियत और साथ ही जानेंगे कि इस त्योहार में किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। छठ की तैयारियों में लग गई है पूजा भी, और पूजा हर साल छठ मनाती है, काफी धूमधाम से मनाती है और शॉपिंग करने निकल आई है सास बहू बेटिया के साथ। तो पूजा कितनी एक्साइटमेंट, हम आ गए हैं आपके शॉपिंग शॉप। यस, सबसे पहले तो नुपुर आपको और सास बहू बेटिया के सभी दर्शकों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हर साल मेरे घर में छठ पूजा होती है और मुंबई में ये दूसरी बार है जब छठ पूजा हो रही है, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पर है और इस बार मेरे खुद के घर पे छठ पूजा हो रही है पहली बार। तो आई एम वेरी, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आज मैं छठ का सामान लेने आई हूँ मेरी प्यारी 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 नूपुर के साथ। तो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है हमें यहाँ में पूजा सामग्री के लिए। चलिए शॉपिंग तो करते जाएंगे, और चीज़ें हैं यहाँ पर जो मेन जो होता है, जहाँ जो खरीदना होता है वो सब का भी नॉलेज आज हम लेंगे। जी जी जी, नॉलेज है लेकिन मैं वो नहीं बोलूँगी, बहुत फुल फ्लेजेड नॉलेज है। मम्मी को हमेशा से देखती आई हूँ, 9-10 साल से मम्मी कर रही है। तो जो मेन मेन चीज़ें होती है जैसे कि सूप होता है, दौरा होता है, उसमें हम लोग ये पिंक वाला जो है भैया क्या अरसा मम्मी हमेशा मेरे को बोलती बट भूल जाती हूँ मैं, उसमें अरसा हम लोग रखते हैं। बहुत ऑथेंटिक कुछ फ्रूट्स होती है जो उसमें रखी जाती है। जब हम लोग फ्रूट्स की शॉपिंग में जाएंगे तब मैं आपको उसकी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगी, और जो लोग छठ पूजा करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। और अगर भूल चूक से कोई अगर मैं बात बताना भूल गई तो उसके लिए मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते ये पूजा सामग्री की दुकान है और यहाँ पे सारे सूप रखे हैं, दौरा रखा हुआ है। तो हर घर में आपकी मन्नत के हिसाब से बहुत लोग चार दौरा चढ़ाते हैं या दो चढ़ाते हैं, उस हिसाब से एक कोई चढ़ाता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमारे घर में है मम्मी के पापा के नाम पे, मेरे नाम पे मम्मी ने एक दौरा चढ़ाया है, तो पड़ोसी भी आके बोलते हैं कि हमारे नाम पे भी आप एक दौरा चढ़ा दो, तो वैसा भी होता है। या कुछ लोग हमें पैसे भी दे जाते हैं तो उनके नाम के हम फल फूल कुछ भी हम रखते हैं उसमें प्रसाद के तौर पर। तो हम लोग यहाँ से पहले तो एक हम सूप लेंगे और ये सबसे मेन है हमारे, ठीक है। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा ये होता है अरसा, ये पिंक इसको मैं क्यूट हमेशा नाम जैसे मैं भूल जाती हूँ, ये हम दौरा में ये हम लगाते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये दो चीज़ तो मेन है छठ पूजा के लिए, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो और दिया रहते हैं, दिया बत्ती रहती है, वो सारी चीज़ें हम बाद में खरीदेंगे और धीरे धीरे करके हम अपने दौरे को सजाएंगे और हम अपनी सामग्री को कंप्लीट करते हैं। चलिए मुंबई में जब से मैं आई हूँ देखा काफ़ी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है, और
हर साल इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, हर साल मतलब और भी ज़्यादा संख्या में लोग छठ के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए काफ़ी सारे लोग छठ पूजा की व्रत उठा रहे हैं, जो देख के बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दूसरी बार होगा जब मेरी मम्मा यहाँ पर है और हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं, खुद के घर से कर रहे हैं, तो ये दूसरी बार है। और मैं हमेशा मतलब जब भी कोई भी पूजा का सामान लेना होता है तो मैं आती हूँ संगीता पूजा सामग्री के स्टोर में, जो कि है कांदीवली में। यहाँ पर आपको हर पूजा का सामान मिल जाएगा और ये एक परमानेंट दुकान है जहाँ पर आपको जो भी चाहे वो पति हो या छठ पूजा हो, कोई भी पूजा हो, आप यहाँ आ सकते हैं और पूजा की सामग्री ले सकते हैं। और मैंने यहाँ से सूप और अरसा ले लिया है और अब मैं जाऊँगी आगे फल फूल और जो जो सूप में हमें लगने वाला है वो लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं। छठ की एक स्पेशल पूरी फ्रूट्स आती है जो लगती है, जैसे गन्ने हो गए, मूली के पत्ते हो गए, बड़े वाले नारियल, बड़े बड़े एक लेमन वाले वो होते हैं, तो वो कुछ ऑथेंटिक फल होते हैं जो आपको सूप में सजाना पड़ता है और छठी मैया को अर्पण करना पड़ता है। तो अभी हम लोग खोज रहे हैं और हमें वो कहाँ मिलेगा, चलिए देखते हैं। बचपन में तो छठ की अलग ही यादें हैं। मम्मी ने तो छठ पूजा शुरू किया था जब मैं कॉलेज बाहर पढ़ने आ गई थी, तब से उन्होंने शुरू किया था। और बचपन में हमेशा मेरे मामा के घर में, मेरी मम्मी के घर पे होता था छठ पूजा। इतना मज़ा आता था, जैसे कि कद्दू भात बनता है, खीर, खरना का दिन है, खरना रात को सारे लोग गन्ने की सजावट होती थी, सारी औरतें आती थी मोहल्ले के, ठेकुआ बनाने में हेल्प करते हैं, खीर बनाने में हेल्प करते हैं, और जो उसका स्वाद होता है उन सबके साथ मिलकर खाने में, एक छठी मैया की अलग ही कृपा होती है उसमें। शायद मैं थोड़ी इमोशनल भी हो जाऊँ बोलते हुए ये चीज़, उसकी एक वो जो मोमेंट है, वो उस मेमोरी को मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ। मेरे मामा के घर में हमेशा होता था, मेरे इतने सारे भाई लोग थे, पांच-पांच भाई, चार-चार भाई, सब दौरे उठाकर, सूप उठाकर अपने सर पे, इतने भारी भारी दौरे उठाकर नदी तक जाया करते थे, आधा आधा घंटा 40-40 मिनट पैदल हम सब जाया करते थे, लेकिन ज़रा सी भी थकावट नहीं होती थी उसमें, और जो जोश रहता था, उत्साह रहता था उसमें, आहा आहा, अभी भी वो मेमोरी एकदम फ्रेश है। मन करता है कि टाइम को वैसे ही घुमा दिया जाए और वैसे ही हम अपने भाइयों के साथ, मामा मामी के साथ, मम्मी पापा सबके साथ मिलकर छठ बनाए। लेकिन अभी क्योंकि इतनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सबको लाइफ में उतना टाइम नहीं मिलता है, बट इतनी बड़ी कृपा रही है कि मेरे घर में छठ पूजा सेलिब्रेट हो रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी की और मेरे मन में इतना उत्साह है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बस अभी ये है कि जल्दी से हमें फल फूल मिल जाए ताकि मैं घर जाके अपनी मम्मी को बोल सकूं, मम्मा ये देखो मैं लेकर आ गई हूं। तो चलिए खोजते हैं, छठी मैया की कृपा है, सब कुछ मिल ही जाएगा। तो फाइनली मुझे जगह मिल गई है, काफी सारे फल हैं जो हम अपने सूप में दौरे में चढ़ाएंगे, तो चलिए चलते हैं, खरीदारी करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने सूप के लिए कौन कौन से स्पेशल फल लेने वाली हूँ। चलते चलिए। काफ़ी सारे फ्रूट्स जैसे कि है, लेकिन मैं कुछ स्पेशल फ्रूट्स ढूंढ रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे मिला है वो नारियल, वो बहुत ज़रूरी होता है दौरे में रखने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो सबसे पहले हम लेंगे नारियल। ये नारियल, ये हमारे सूप में चढ़ेगा, ये सिंदूर है, पीला सिंदूर ज़रूरी होता है, तो ये सिंदूर चढ़ता है, और ये है आलता, तो ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हमने ये यहाँ से ले लिया है। मैंने अभी तक नारियल और अमरूद ले लिया है। मैं सोच रही हूँ 5 या 7 फल, ऐसा मम्मी तो कहती है कि जितने भी फल डालो सब चलते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ 5 फल की हम लोग तैयारी कर लेते हैं सूप में डालने के लिए। तो 2 फल हो चुके हैं, 3 फल बचे हैं, चलिए वो चल के लेते हैं। देखिए मैं कब से खोज रही थी बड़े वाले नींबू, जैसे कि मैंने आपको कहा था सूप में बहुत ज़रूरी होती है, ये
स्पेशल होता है, तो इसको मैं तब से खोज रही थी लेने के लिए, फाइनली मुझे मिल गया है। ताई आप एक अच्छे से मेरे को एक नींबू निकाल के दो उसमें से, और सही रेट लगाना। चलिए अब हम तीन फल हो चुके हैं, दो फल और बचे हैं, और यहाँ पे भी हम कुछ देख लेते हैं। तो हम लेंगे एप्पल, सेब लेते हैं, अनार यहाँ पे है, हम लेंगे अनार। देखिए मुझे मेरे सारे फल मिल गए हैं जो मेरे सूप में सजेंगे। अब हम लोग चलते हैं घर पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छे से सूप कैसे सजाते हैं। त्योहार में प्रयोग होने वाली सारी सामग्रियों को पूजा सिंह ने खरीद लिया है। सूप से लेकर फल फूल सभी पूजा लेकर निकली है अपने घर पर, जहाँ वो इस त्योहार के लिए सूप को सजाएंगी। सारी चीज़ें खरीद ली गई है और हम पहुंच गए पूजा के घर। और पूजा अब तैयारी सूप सजाने की? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत मेहनत से हमने अपनी छठ पूजा की तैयारी की है, बहुत धूप में ढूंढ ढूंढ के निकाला है सारे फल फूल। चलिए घर चलते हैं और मैं बहुत ही अच्छे से प्यार से सूप कैसे सजाते हैं, मतलब कैसे सजाते हो आपको पता ही है, मैं कैसे सजाती हूँ वो चल के आपको दिखाते हैं। चलिए घर चलते हैं। मम्मी मैं तो ऐसे ही घर का दरवाजा खुलवाती हूँ। माता श्री ओहो ये देखिए, ये हमारी मम्मी, मम्मा आइए 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 मेरे इस छोटे से आशियाने में। मम्मी तो देखिए मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं सूप लेके आ गई हूँ, फल फूल लेके आ गई हूँ, आप क्या कहना चाहती है इसमें? बस अब ये तुम्हारा काम है, तुम अपना काम करो, तुम सूप सजाओ, हम अपना काम करने चले, मेरे पास बहुत काम है। मम्मी के पास बहुत काम है, मम्मी फ्री नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दूसरी बार छठ पूजा है भाई हमारे घर में, मेरे खुद के घर में छोटे से आशियाने में। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं सूप कैसे सजाती हूँ। चलिए सूप की तैयारी करते हैं, और इससे पहले मैंने जो है वो ऐपन तैयार कर लिया है, जो कि बनता है आपका हल्दी और आटे का, और इसको हम लगाते हैं सूप में। तो ये हम लेंगे और हम लगाएंगे इसको 5 बार। चलिए अब हम अपने फलों को सूप में रखते हैं, और सबसे पहले लेते हैं नारियल। छठी मैया व्रत तो हा,
तो चलिए ये देखिए, ये मेरा प्यारा सा छठ पूजा के लिए सूप सज गया है, जो हम छठ पूजा में छठी मैया को अर्पण करेंगे। भाई इस छठ पूजा के लिए पूजा सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं है, और इनकी खुशी दुगनी इसीलिए है क्योंकि इस साल भी उनकी मम्मी उनके साथ हैं, और ये दूसरी बार है जो वो मुंबई में अपनी मम्मी संग छठ पूजा मना रही हैं। वैसे छठ पूजा की तैयारी इन्होंने अकेले नहीं की है, बल्कि इनकी मम्मी ने इनका पूरा साथ दिया है। किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और कैसे सूप सजाया जाता है, ये उनकी मम्मी ने ही उन्हें बताया है और आगे के लिए छठ पूजा के लिए पूजा सिंह को तैयार किया है। अब ये देखिए, हमारा छठ पूजा का जो सूप है वो तैयार हो चुका है, और ये सब हुआ है मम्मा की बदौलत। बस मैंने जैसे कहा ना, मैं बस खीर खाने में रहती थी, मम्मी ने पूरी हेल्प की है और कुछ कुछ और मुझे चीज़ें भी बताई है कि और सूप को कैसे कितने अच्छे से तैयार हम करते हैं, जैसे कि दिया लगाना और ये मम्मी टीका, सूप में टीका करना, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो शायद मैं स्किप कर देती, बट मम्मी की बदौलत मैं सीख रही हूँ। और मम्मी ने स्पेशली कहा है कि इस बार जब मैं सूप जब सजाएगी मम्मी, तब और अच्छे से देखना कि कैसे होता है और किस किस चीज़ की कमी है, उसको नेक्स्ट ईयर पूरा करना है कि नहीं। मतलब अब ये हो गया है कि छठ पूजा अब हमेशा मुंबई से ही होगा, यही हमारे घर से होगा, है ना अम्मा? सब मत बोलो, नहीं तो बोलेगा सब। नहीं 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 नहीं, जमशेदपुर से भी होगा। चलिए हम अपने मैं आप सबको दिखा देती हूँ जो ये प्यारा सा सूप हमने सजाया है। वहाँ का अलग ही रौनक रहता है, एक हमारा जहाँ से कंटिन्यू इतने सालों से करते आ रहे हैं तो एक रौनक अलग ही है, और यहाँ भी रौनक शाम तक आ जाएगी वैसे भी, लेकिन वहाँ फ्रेंड सर्किल है, सब है, तो वो एक फैमिली का सबका एक रहता ही है, लेकिन हमको यहाँ भी कमी नहीं लगता वैसे भी। ये जहाँ रहती हैं वहाँ हमको कुछ कमी ही नहीं लगता है, एक्चुअली बात तो ये है। जहाँ बेटी वहाँ माँ, वहीं छठ पूजा। बस चलिए मम्मा, अब हम लोग दिखाते हैं जो इतना प्यारा सा सूप हमने सजाया है। थोड़ा मम्मा ये हाथ में जरा लेके आप दिखा दीजिए। चलिए मैं ही ले लेती हूँ। कथी के नहीं आए माला, कथी पाता, अरे कथी ये लादनी आए माला, नैया लहसत हो जाए, अरे कथी ये लादनी आए माला, नैया लहसत हो जाए, अरे सोने के पातावार, अरे नीम अरे सुपावाला दनिया ये माला, हाँ नैया लहसत हो जाए, अरे गागर सा, अरे नींबू वे सजैया ये माला, हाँ नैया लहसत हो जाए, अरे नारियल सजैया ये माला, हाँ नैया लहसत हो जा, अरे सबे फल लादनिया ये माला, हाँ नैया लहसत हो जाए। बोलो छठ माता की जय। छठ पूजा का गीत जिस तरह से मम्मा गाती है, मम्मा बहुत अच्छे से गाई, जैसे कि नॉन स्टॉप, मम्मी को कोई नहीं रोक सकता है। मुझे थोड़ा सा बॉलीवुड अपना वो स्टाइल आता है। पहले पहल हम करनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, पहले छठी मैया व्रत तोहार। बस हैप्पी छठ पूजा एवरीवन। मुझे इतना ही आता था, सिर्फ मैं गुनगुनाते रहती हूँ गाना, ला 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 ला, यही होता है। चलिए मम्मा का भी, मम्मा को भी, मम्मा आप भी अपने तरफ से सबको विश कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को हैप्पी छठ, और बहुत अच्छे से सब मना, एकदम आस्था है बहुत, तो सब हमारे लिए भी, सबके लिए छठ माता खुशियाँ दे, सब
खुश रहे, बस यही दुआ है, यही प्रार्थना है छठ माता से। गाना गाते गुनगुनाते इसी तरह हुई पूजा सिंह की छठ पूजा की तैयारियां, और साथ ही पूजा ने अपने दर्शकों को छठ पूजा की दी ढेर सारी बधाइयां भी। हैप्पी छठ पूजा जीएनटी के सभी दर्शकों को, सास बहू बेटिया के सभी दर्शकों को हैप्पी छठ पूजा। और जो लोग भी ममा करती है, जिन लोगों ने औरतें जो जेंट्स हैं जितने भी लोग छठ पूजा करते हैं उन सबको मेरा कोटि कोटि, भाई बहनों को उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि छठ पूजा बहुत ही टफ पूजा है। मैं अपने घर में देखती हूँ बहुत ही रूल रेगुलेशन और फास्टिंग और आस्था, बहुत आस्था होती है इस पूजा में, सबके बस की बात नहीं होती है। सो आप जितने लोग भी ये छठ पूजा बना रहे हैं अपने घर में, आप सबको प्रणाम और आप सबका आशीर्वाद हम सब पर रहे। सूर्य भगवान की आशीर्वाद, आप छठी मैया की आशीर्वाद आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हैप्पी छठ पूजा। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।